हेलो, इसी वजह से ज्यादा लड़कियों के मैं पीछे टेस्टिंग, घूमता हेलो फिरता हेलो। है हाँ तो ये। सुनो, अभी आप लोग बहुत कुलदीप सिंह जी टेस्टिंग, इधर आओ, कह रहा है हेलो मैं हेलो। आपको पहचान दूंगा। माइक टेस्टिंग। अच्छा सुनो, माइक टेस्टिंग हो चुकी है। भाई उनका सीधा कोई सवाल नहीं सुनो, यार, देखो मैं क्या सवाल देखो पूछूंगा, यार मैं कोई देखो सवाल यार, ये नहीं। गलत बात है। तुमने ना पूरा वो बना दिया मैंने कि इंटरव्यू लेना ही अच्छा है। चलो, अच्छा ये बताओ, सुनो ये बताओ कि मालरेखा और संजय, तुमने इतनी लड़कियों के सामान देखे हैं, मालरेखा का सबसे बड़ा है ये बात अरे है कि यार ये क्या बात हुई, मतलब बड़ा और भाई छोटा, मतलब ये सवाल वाले सवाल सवाल नहीं सॉरी भाई। सॉरी, जो भाई तुम्हारी पिछली लड़की सेट पर मिली थी उसके ज्यादा बड़ा छोटा। अच्छा मालरेखा, बोल रहे जब थोड़ी देर पहली में बार फ्रेंड तुमने संजय को देखा तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ, बातें करो, पूछो। हाँ बताओ कैसा करो, पूछो तुम क्वेश्चन आंसर करो। तो कैसा नहीं, लगा था? मैं किसी भी लड़के को देख के कभी भी ऐसा, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं है कि भाई ठीक है आर्टिस्ट है। और संजय ने मुझे खुद ही मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे ऑपोजिट कास्ट हुआ हूँ, तो मुझे पहले पता चल चुका था। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने कुछ ऐसे ज्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं किया। संजय को आज भी पता होगी, ऐसा नहीं है कि किसी को गुड लुकिंग को देख के कि मैं एकदम कि भाई हाँ भाई बहुत हैंडसम है चलो अब स्टार्ट, मेरे अंदर वो फील आती नहीं कभी भी। इसको देख के से नफरत महसूस हुई थी? नहीं, ऐसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, ये था कि इसको देखकर कैसा महसूस हुआ था, बस ये सवाल है। मैंने पहले एक क्वेश्चन किया था संजय से, जो सभी करते हैं संजय से क्वेश्चन, कि संजय तुमने ये किया है? संजय ने क्या, रोज यही करता हूँ। नहीं, संजय ने बोला हाँ मैंने किया है, वो जो भी था उनका एक्सप्लेनेशन जो भी था दिया। तो तुमसे संजय ने पूछा कि तुमने किया है तो तुमने क्या? बड़े एक बात है, संजय संजय के साथ जब फर्स्ट वो थी ना, हाँ हमारी सीरीज, संजय बहुत एक्साइटेड था उस टाइम पर, बेचारे के दिल के अनुमा आंसू। एक्चुअली मैं बताऊँ, संजय के बारे में बताना चाहूंगी, संजय को ना भरी पूरी और बड़े सामान वाली लड़कियां बहुत पसंद है, ये संजय ने मुझे खुद बताया है। संजय संजय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो संजय को, संजय के लिए आंटियां लेके आए ऐसे सवाल, ऐसे सवालों के क्वेश्चन का आंसर देने नहीं, आप फंस चुके हैं, आप फंस चुके हैं, देना ही नहीं, आप हॉट सीट पर बैठ चुके हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बताओ, अब एक काम करें, इस हॉट सीट पे से उठ के चलना। क्या हम इस चीज को, संजय जी, क्या हम इस चीज को ये समझे कि आपको मैडम के साथ काम करके अच्छा नहीं लगा? आप यहाँ के बैठो फिर बताओ। बताओ यार, ऐसे अच्छा नहीं। नहीं अच्छा, आपको वहाँ क्वेश्चन के लिए बोला कि आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे और हम आंसर करेंगे। एग्जैक्टली अब आप समझे हमारी कहानी, अब समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मालविका, तुमने आज से जितने भी एक्टरों के साथ काम किया है उनमें संजय को आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग देनी हो तो क्या रेट करोगे? वर्क के अकॉर्डिंग या लुक के अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं? कुछ ओवरऑल, जैसे तुम वक्त के हिसाब से अलग रेटिंग दे दो, किसी और के हिसाब से कुछ और रेटिंग। देखो मैं ना किसी को जज नहीं करती, देखो सब एक्टर का अपना अपना एक वर्क करने का तरीका होता है, वर्क के अकॉर्डिंग तो मैं ये बोलूंगी। ठीक है, लुक वाइज संजय हैंडसम है, दिखता अच्छा है, जो है जो फैक्ट है वही। हंसने खेलने वाला नहीं दे सकती ना, हंसने खेलने वाला फिर मैं ही खेल जाऊंगी, पता चले मेरी वोट लग गई। अगर मैंने ज्यादा सेंटी होके नहीं दिया ना, और मैं ऐसा, मैं तो हंसने खेलने के उससे अकॉर्डिंग दूंगी आंसर, हाँ, हाँ। लेकिन वो आंसर कहीं और चला जाएगा फिर, अब कहीं नहीं जाएगा ना, ना। हाँ, नहीं, आज संजय से पूछो सारे क्वेश्चन के आंसर। तुम्हें सबसे अच्छा फोन में पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर डायमंड, ठीक है? अब मुझे बताओ, जैसे सारे क्वेश्चन पूछे करे मुझे, ये नहीं पूछना। पहले किस लड़की ने बोला कि तुम्हारा सामान बहुत अच्छा है? ओह माय गॉड, पहली लड़की कौन थी? याद नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारी बोल चुके हैं। आपकी खामोशी हमें हमें सोचने पे मजबूर कर रही है। कह रहे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। संजय बताओ ना, अच्छा अच्छा चलो बताओ, तुमने बताया था याद है कि किस लड़की ने तुम्हें पैंट में सीधा हाथ डाल के पकड़ लिया था? ओह माय गॉड, अभी रेडी नहीं है, उसका नाम क्या है? ऐसा भी हुआ है क्या संजय के साथ? संजय के साथ बहुत बार हुआ है, संजय तो कई बार रेप करवाते करवाते बचा है। संजय ऐसे भी क्या फायदा, इतनी खूबसूरती का कोई देखा रही है तो अगर खूबसूरत होने का ये नाजायज फायदा उठाया जाए, हाँ? तो खूबसूरती बेकार है, exactly. नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय मुझे बताओ, कभी किसी ने ऐसे बम में हाथ मारा हो, ऐसे दबा दिया हो? प्लीज संजय बी ऑनेस्ट, दबा देती है। चिकने चलता है क्या? फिर मैं पूछ दो, कह रहा दबा देती है।